हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इनविटेशन रिप्लाई। दिस इज अ टॉपिक फॉर क्लास 12th। चलिए तो देखते हैं इनविटेशन रिप्लाई। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसको सही तरीके से लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है, और यदि उनको फॉलो किया, जो रूल्स जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आप फॉलो करेंगे, तो उसमें एक तो रिप्लाई लिखना बहुत इजी हो जाएगा, और दूसरा आपको 4 out of 4 marks यानी आउट ऑफ आउट मार्क्स आप बहुत इजीली गेट कर पाएंगे। पहले समझिए इनविटेशन रिप्लाई एग्जामिनेशन में कितने टाइप्स का होता है और हम उसको कैसे समझेंगे। इनविटेशन रिप्लाई जो हमारे सिलेबस में है उसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो फॉर्मल वे, मींस इनविटेशन रिप्लाई हम एक फॉर्मल वे में लिखेंगे, और दूसरा जो तरीका है लिखने का वो है इनफॉर्मल वे। दोनों टाइप पर डिपेंड क्वेश्चन आ सकता है। ये भी कह सकता है कि फॉर्मल वे में आंसर दीजिए, फॉर्मल वे में, और दूसरा इनफॉर्मल वे में रिप्लाई करिए। दोनों में हम जब इनविटेशन रिप्लाई लिखेंगे तो इसके 2 मेथड है, एक तो एक्सेप्टिंग और दूसरा डिक्लाइनिंग। यानी इनविटेशन रिप्लाई को हम या तो स्वीकार करें, इनविटेशन को या तो हम स्वीकार करें और या फिर हम डिक्लाइन करें। यदि हम इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टिंग वे में, फॉर्मल वे में आंसर देना होगा, और डिक्लाइन करते हुए हमें फॉर्मल वे में आंसर देना होगा, या यदि डिक्लाइनिंग का एग्जाम में आता है। और एक तरीका होता है इनफॉर्मल वे, यानी उस रिप्लाई को, इन्विटेशन रिप्लाई को हम इनफॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं, एज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा उस तरीके से है। तो इसमें भी दोनों तरीके से, अगर हम इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टिंग करते हुए हमें इनफॉर्मल वे में आंसर लिखकर आना होगा, और डिक्लाइनिंग यानी यदि हम मान लो कि उस इनविटेशन को किसी रीजन से डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर इनफॉर्मल वे में डिक्लाइनिंग करते हुए उसका फॉर्मेट अलग होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन रिप्लाई के फॉर्मल वे पर। यस, देखिए हम फॉर्मल रिप्लाई की बात करते हैं। पहले यदि हमें इनविटेशन का रिप्लाई फॉर्मल तरीके से करना है, मैंने जैसा पहले बताया था कि क्वेश्चन में दिया गया होता है, तो हमें फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे और फिर कंटेंट। कंटेंट में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेंडर्स नेम, यानी जिसने इनविटेशन दिया है उसका हम पहले नाम मेंशन करेंगे, फिर फॉर्मल थैंक्स यानी उसने इनवाइट किया हमको, उसके लिए हमें उसे थैंक यू बोलना है, तो फॉर्मल थैंक्स लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर्स नेम लिखना है, रिसीवर्स नेम, और उसके बाद डिटेल ऑफ द इवेंट, डिटेल ऑफ द इवेंट यानी जो भी फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, उसका कंप्लीट डिटेल लिखेंगे हम। और डिटेल लिखते समय हमें जो ध्यान रखना है वो ये होना चाहिए कि डे, डेट, इवेंट, टाइम और वेन्यू,
ये सब चीजें मेंशन करना जरूरी है। ये इवेंट है उसका, यानी वो प्रोग्राम जो सेलिब्रेशन या सेरेमनी है या कोई पार्टी है, तो वो कौन से दिन है, कौन सी दिनांक को है, कितने समय पर होगी और उसका प्लेस क्या होगा, ये सब मेंशन करना जरूरी है। और फिर लास्ट में वेदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, फिर ये क्लियर करेंगे कि हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग की मैं कुछ यूनिवर्सल लाइंस दूंगा आपको, और यहां भी कुछ यूनिवर्सल लाइंस दे दूंगा जो कभी चेंज नहीं होंगे। यदि आप उनको यूज करना चाहें तो एज इट इज यूज करें और बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेट होंगे। बट जब आप इन्विटेशन को डिक्लाइनिंग करते हुए लिख रहे हैं तो फिर आपको दो तीन बातें और ध्यान रखनी है कि डिक्लाइनिंग जब आप कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, यानी आपको रीजन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, रीजन शो करना पड़ेगा। फिर आपको रिग्रेट्स भी फील करना होगा, यानी ऐसा आप शो करेंगे भाई दुख भी हो रहा है कि आप उस इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी उसके प्रोग्राम में, पार्टी में या सेलिब्रेशन में नहीं जा पा रहे हैं। और लास्ट में उस इवेंट के लिए आप शुभकामनाएं भी देंगे, यानी विशेस, और तब जाकर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और इस सब को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार आपको इनविटेशन रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग करते हुए। अब इस फॉर्मेट पर डिपेंड, चलिए हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, रीड आउट करते हैं पहले इसे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यू आर अभय, मान लीजिए आप अभय हैं, यू गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम प्रिया, आपको प्रिया से इन्विटेशन मिला है टू अटेंड न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर पार्टी ज्वाइन करने के लिए, मैं उपस्थित होने के लिए ऑन 31 दिसंबर 2021, जो कि 31 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी एट होटल ताजमहल। और वेन्यू यानी प्लेस क्या दिया है, होटल ताजमहल में, और टाइमिंग क्या है, एट 10 PM। अब क्वेश्चन में गिवन है कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द ऑफर, यानी हमें इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी करना है और फॉर्मल वे में इसका रिप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने फॉर्मेट बताया था आपको कि सबसे पहले हम सेंडर्स नेम लिखेंगे, तो हमें हाँ सेंडर्स नेम लिखेंगे सबसे पहले हम, और सेंडर्स कौन है, ये हम स्वयं हैं, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब है। फिर थैंक्स प्रिया, ये जो रिप्लाई है वो भेज कौन रहा है, आप, और आप क्वेश्चन में अब है इसलिए आपने लिखा अब है। फिर थैंक्स दिया, रिसीवर कौन है, प्रिया, इनविटेशन रिसीव, इनविटेशन की रिप्लाई को रिसीव कौन कर रहा है, प्रिया, तो इसलिए यहां प्रिया। अब है थैंक्स प्रिया फॉर दी काइंड इनविटेशन, अब देखिए ये आपने लाइन देखें यदि ध्यान से, तो देखो एक थैंक्स शब्द और एक फॉर द काइंड इनविटेशन, दो आपने थोड़ा याद करना है, बाकी आपने क्वेश्चन से ले लिया अभय भी और प्रिया भी, और इसके बाद जो मैटर है वो आपको क्वेश्चन से जस्ट एज इट इज लिखना है। आप इनविटेशन के लिए उसको थैंक यू बोल रहे हैं, इनविटेशन किस बारे में है, टू अटेंड न्यू ईयर पार्टी, टू अटेंड न्यू ईयर पार्टी, अब डेट क्या है, ऑन 31 दिसंबर, तो ऑन 31 दिसंबर 2021। अब देखिए वेन्यू क्वेश्चन में गिवन है इसलिए यहीं से लिखेंगे, एट होटल ताज
महल। टाइमिंग भी दिया है एट 10 PM। अब देखिए, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल लिख दिया इवेंट का। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, यानी हमको इस ऑफर को, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर। अंडरस्टूड, समझ गए, और हमारे ये आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और अब इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देंगे। तो बताया स्टूडेंट्स, है ना इजी? यस। नाउ अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं। यदि एग्जामिनेशन में एक्सेप्टिंग के प्लेस पर डिक्लाइनिंग आता, यानी एक्सेप्टिंग नहीं डिक्लाइनिंग करते हुए लिखिए, तो क्या चेंज होता? देखिए, मैं आप समझाना चाह रहा हूं, दोनों ही तरीके से एग्जामिनेशन में आ सकता है, हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। यहां से ही हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर, इस सेंटेंस को हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सेप्टिंग का है। इसका मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग भी क्या है, कि उसे बड़ी खुशी है कि वह यह ऑफर स्वीकार कर रहा है। अब चूंकि अब तो डिक्लाइन कर रहे हैं हम, तो यहां थोड़ा मैटर आपने चेंज करना है, और इसके प्लेस पर हमें सबसे पहले रीजन देना है। तो इस सेंटेंस को रिप्लेस करेंगे, और इसके प्लेस पर जो सेंटेंस हमें लिखना है वो इस प्रकार है, बट regrets for not being able to attend the party। अब देखिए, आपने declining तो कर दिया, यानी जब हम invitation को डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, तो हमने दुख व्यक्त कर दिया कि मुझे दुख है कि मैं आपकी पार्टी में आने के योग्य नहीं हूं, आ नहीं पाऊंगा। अब हमें केवल दुखी बंद कर एक्सप्रेस करके यहीं नहीं रुक जाना है, फिर हमें इसका रीजन भी देना है। तो रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू सम unavoidable reasons या circumstances अब देखिए, आपने रीजन भी दे दिया कि मुझे दुख है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, कुछ अवांछनीय परिस्थितियों के कारण, कुछ अवांछनीय कारणों से। अब इसके बाद आप गुड विशेष भी दे दो, तो ही विशेष अ ग्रेट सक्सेस टू द इवेंट। ये लाइंस आपको डिक्लाइनिंग में इसकी जगह पर लिखना है, और आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट हो जाएगा। तो अब बताइए कि आप में से किसी को कोई डाउट? ये मेथड जो है एक्सेप्टिंग का है, और ये लाइंस कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेंगी
इसके स्थान पर ही हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द ऑफर, इसको रिप्लेस करेंगे ये लाइन, तो ये डिक्लाइनिंग का हो जाएगा। इस प्रकार ये टॉपिक यहां पूरा होता है। और यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 9414922731। इस पे आप कॉल करके आप कभी भी अपने कोई डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एक बात और, आपने ध्यान दिया कि जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने सेंडर्स नेम और रिसीवर नेम लिखा, आप फोकस कीजिएगा। और इसके बाद जब मैं इनविटेशन को मैंने आगे बढ़ाया तो मैंने यूज किया थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। बस हमें यह ध्यान रखना है यहां पर, ये विशेष नोट कि फॉर्मल वे में जो भी रिप्लाई लिखेंगे उसमें हम यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, दे, या फिर आप नेम यूज करें। तो स्टार्ट तो हमने नेम से किया था, अभय एंड प्रिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और उसके बाद मैंने अभय के लिए ही का यूज किया। इस प्रकार अगर कोई गर्ल है या फीमेल आपको माना गया है तो आप सी, या फिर प्लूरल में है तो दे और नाम का यूज कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सेंड PDF फाइल ऑन स्कूल एप्स ऑल्सो, तो आप वहां से इनविटेशन रिप्लाई के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप फेयर कॉपी में कर लें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। रिलेटेड टॉपिक से कोई भी डाउट आपको है और उसको क्लियर करना है तो प्लीज मेक अ फोन कॉल टू मी 9414922731। थैंक यू।